दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इको टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि इको टेस्ट क्या है और क्यों किया जाता है और इस टेस्ट की कीमत कितनी होती है। इस टेस्ट का पूरा नाम है इकोकार्डियोग्राम या इकोकार्डियोग्राफी। यह एक तरह का अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है और इन ध्वनि तरंगों के द्वारा हार्ट का चित्र लिया जाता है, यानी कि हार्ट को देखा जाता है। इस टेस्ट में किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता। इस टेस्ट में दिल से निकलने वाली आवाजों को एक उपकरण की सहायता के साथ पकड़ा जाता है और उसे वीडियो में बदल दिया जाता है। इससे हमारे दिल की एक छवि बनती है जिसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इको टेस्ट के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों का पता लगाया जाता है। इको टेस्ट का उपयोग डॉक्टर यह जानने के लिए करते हैं कि क्या आपका दिल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इको टेस्ट के द्वारा आपके दिल के आकार और दिल की दीवारों के आकार और मोटाई का पता लगाया जा सकता है। इससे दिल की पंपिंग ताकत का भी पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के द्वारा हार्ट के जो वाल्व होते हैं उनके बारे में भी अच्छी जानकारी हासिल की जा सकती है। यह देखा जा सकता है कि वाल्व ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, वाल्व में किसी तरह की खून की कोई लीकेज तो नहीं है। इस टेस्ट से यह भी पता लगाया जा सकता है कि दिल की बाहरी परत के साथ कोई समस्या तो नहीं है और दिल की कोठरियों में खून के थक्के तो नहीं है, और अगर दिल के चैंबर्स के बीच किसी तरह का कोई छेद हो तो उसका भी पता इको टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। इको टेस्ट कई प्रकार का होता है, जैसे ट्रांसथोरेसिस इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस इको, ट्रांसोफेगल इकोकार्डियोग्राफी, भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी, 3D इकोकार्डियोग्राफी और डॉपलर इकोकार्डियोग्राम। जरूरत के हिसाब से डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। भारत में अलग अलग शहरों में इको टेस्ट की कीमत अलग अलग हो सकती है, जो कम से कम 1,000 रुपये से लेकर ज्यादा से ज्यादा 3,500 रुपये के बीच होती है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।